नवाज शरीफ का जिन अस्पताल में दूसरा रोज कमर दर्द ठीक, आज इकोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिन अस्पताल आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को जिस तरह अस्पताल लाया गया इस पर तश्वीश है। मेडिकल बोर्ड ने कार्डियक अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी, हुकूमत PIC के बजाय जिना अस्पताल ले आई। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना भी साथ लेकर आई। जिना अस्पताल में कारकुनों की मुठभेड़, नारे लगाने पर शहबाज शरीफ बरहम। अस्पताल में रुक रुक कर कारकुनों को टोकते रहे, चुप हो जाओ यह अस्पताल है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कारकुनों को चुप कराने की कोशिश। शहबाज शरीफ बड़े भाई से मुलाकात के बाद वापस रवाना। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का साद रफीक को बख्तरबंद गाड़ी में लाने की मजम्मत। बख्तरबंद में लाना अफसोसनाक और तजहीक आमेज रवैया है। दहशतगर्द और मफरूर मुलजिम नहीं कि उन्हें बख्तरबंद में पेश किया जाए। हुक्मरान ऐसे रवैये ना अपनाए कि कल उनसे बर्दाश्त ना हो। मरियम औरंगजेब मसाइल विरसे में मिले मुश्किलात और खसारे से निकल रहे हैं। मुईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है, अब कोई 10% है और ना एहतसाबुर रहमान। वजीर ममलिकत हम्माद अजहर की सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। NA 126 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह, ट्रांसफार्मर और 4 बिजली के खंभों की तंसील। हल्के के लिए 2 करोड़ रुपए की इमदाद का भी ऐलान। मियां असलम इकबाल ने कहा हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। नजरसानी बोर्ड का भारतीय कैदियों को कौंसल तक रसाई देने का हुक्म। भारत में जो कुछ हमारे कैदियों के साथ होता है हमने ऐसा नहीं करना। जस्टिस शेख अजमत सईद के जहनी माजूर भारतीय कैदियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। 3 भारतीय कैदियों समेत 7 अफराद को रिहा करने का हुक्म। 26 कैदियों की नजरबंदी में 3 माह की तौसी। 4 जहनी माजूरों को कोट लखपत जेल से मेंटल अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम। हुकूमत खवातीन को तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम कर रही है। खातून को वजारत सेहत का कलमदान सौंपना मिसाल है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेडिकल स्टोरों में SOP के तहत इंतजाम न करने का मामला, डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। साले सईद ने केसेस से मुतालिक फैसले दिए, ड्रग इंस्पेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मेंबरान भी मौजूद।